काजी इजाजत से, मुझसे आपसे इजाजत और आपसे माजरत भी, मुझसे मिलता है पर जिस्म की सरहद पार नहीं करता, मुझसे मिलता है पर जिस्म की सरहद पार नहीं करता, इसका मतलब तू भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। क्या कहने हैं? मुझसे मिलता है पर जिस्म की सरहद पार नहीं करता, इसका मतलब तू भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। दुश्मन अच्छा हो तो जंग में दिल को ढारस रहती है, दुश्मन अच्छा हो तो जंग में दिल को ढारस रहती है, दुश्मन अच्छा हो तो वो पीछे से वार नहीं करता। दुश्मन अच्छा हो तो जंग में दिल को ढारस रहती है, दुश्मन अच्छा हो तो वो पीछे से वार नहीं करता। रोज तुझे टूटे दिल कम कीमत पर लेना पड़ते हैं, इससे बेहतर था तो इश्क का कारोबार नहीं करता। रोज तुझे टूटे दिल कम कीमत पर लेना पड़ते हैं, इससे बेहतर था तो इश्क का कारोबार नहीं करता। निभा के लिए शैतान के दिल पर चलता हूँ, सीनू में सफर करता हूँ, शैतान के दिल पर चलता हूँ, सीनू में सफर करता हूँ, उस आंख का क्या बचता है मैं जिस आंख में घर करता हूँ। शैतान के दिल पर चलता हूँ, सीनू में सफर करता हूँ, उस आंख का क्या बचता है मैं जिस आंख में घर करता हूँ। जो मुझ में उतरे हैं उनको मेरी लहरों का अंदाजा है, जो मुझ में उतरे हैं उनको मेरी लहरों का अंदाजा है, दरियाओं में उठता बैठता हूँ सैलाब बसर करता हूँ। वाह वाह वाह। मेरी तन्हाई का जहर तुम्हारी बीनाई ले डूबेगा, मेरी तन्हाई का जहर तुम्हारी बीनाई ले डूबेगा, मुझे इतने करीब से मत देखो आंखों पे असर करता हूँ। का जहर तुम्हारी बीनाई ले डूबेगा, क्या कहें, मुझे इतने करीब से मत देखो आंखों पे असर करता हूँ। तुझे भी खौफ था तेरी मुखालफत करूंगा, तुझे भी खौफ था तेरी मुखालफत करूंगा मैं, और अब अगर नहीं करूंगा तो गलत करूंगा मैं। तुझे भी खौफ था तेरी मुखालफत करूंगा मैं, और अब अगर नहीं करूंगा तो गलत करूंगा मैं। उसे कहो कि अहद तरके रस्म राह, उसे कहो कि तरके अहद रस्म राह लिख के दे, कलाई काट कर लहू से दस्तखत करूंगा। उसे कहो कि तरके अहद रस्म राह लिख के दे, कलाई काट कर लहू से दस्तखत करूंगा मैं। मेरे लव अच्छा कुछ और सुनाते हैं, मैं सुनाता हूँ मैं देखता हूँ कितने लोगों को याद है। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जुग्राफिया फलसफा साइकोलॉजी साइंस रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुजदिल भी पहली सफ में खड़े। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुजदिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। हमें बदन और नसीब दोनों सवार में हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। तेरे के तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है हाफी, हम एक दिन तेरे बाजुओं में भरे मिलेंगे। और दो तीन गजलें, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता।
लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काट। लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। मैंने भी जिंदगी और शबे हिजर काटी है सबकी तरह, वैसे बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता। तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की मैं केक क्या काटता। कोई भी तो नहीं, तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की मैं केक क्या काटता। कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो, कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो, जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंस कर सजा था। धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना, अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना। ये जो एंड पे बैठे ना, तीन चार लाइन उनके लिए। धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना, शेर सुने आपको समझ आ जाएगा। धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना, अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना। तुमको दूर से देखते देखते गुजर रही है, मर जाना पर किसी गरीब के काम ना। तुमको दूर से देखते देखते गुजर रही है, मर जाना पर किसी गरीब के काम ना आना। रातें किसी याद में कटती है और दिन दफ्तर खा जाता है। रातें किसी याद में कटती है और दिन दफ्तर खा जाता है। दिल जीने पे मायल होता है तो मौत का डर खा जाता है। रातें किसी याद में कटती है और दिन दफ्तर खा जाता है। दिल जीने पे मायल होता है तो मौत का डर खा जाता है। सच पूछो तो तहजीब आफी मैं ऐसे दोस्त से आजिज हूँ, मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता है। और कुछ दो तीन शेर हैं वो भी सुनाता हूँ। कैसे लोग अंदर आ रहे हैं? हाँ मैं भी सुनाता हूँ। महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। तेरी बाहों से दिल लुकता गया है, अब इस धुने में चक्कर आ रहे हैं। तेरी बाहों से दिल लुकता गया है, अब इस झूले में चक्कर आ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा सोया है चौकीदार मेरा, ये कैसे लोग अंदर आ रहे हैं। कहा सोया है चौकीदार मेरा, क्या गजल है यार। ये कैसे लोग अंदर आ रहे हैं। यही एक दिन बचा था देखने, ये आप सब पे आना एक दिन। यही एक दिन बचा था देखने को, उसे बस में बिठा कर आ रहे। यही एक दिन बचा था देखने को, उसे बस में बिठा कर आ रहे। आखिर में दो तीन शेर है, उसके बाद सराकी की एक दो बार फिर पढ़िए। यही एक दिन बचा था देखने को, उसे बस में बिठा कर आ रहे। वाह वाह वाह। शेर है के शेर है के क्या कहने शेर है के ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। क्या कहने ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा। जिंदगी उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा। बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा। वाह वाह। वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। वाह वाह। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। और रुक गया है वो या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। क्या कहने उसने शादी भी की है किसी से और गांव में क्या चल रहा है। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया,
आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। क्या कहने? तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। मुजफ्फर भाई और रैयर भाई, आसिफ भाई, आप लोगों की नजर उसके बाद मैं सराकी की एक दो गजल सुनाने जा जाऊंगा। कदम रखता है जब रस्तों पे यार आहिस्ता आहिस्ता, वाह वाह, ये वली साहब की जमीन है। कदम रखता है जब रस्तों पे यार आहिस्ता आहिस्ता, तो छट जाता है सब गर्दो गुबार आहिस्ता आहिस्ता। भरी आंखों से हो के दिल में जाना सहल थोड़ी है, चढ़े दरियाओं को करते हैं पार आहिस्ता आहिस्ता। तेरा पैकर खुदा ने भी तो फुर्सत में बनाया था, बनाएगा तेरे जेवर सुनार आहिस्ता आहिस्ता। नजर आता है तो यूं देखता जाता हूं मैं उसको, कि चल पड़ता है जैसे कारोबार आहिस्ता। अब आपकी एक तरह की एक दूसरा की सच दसी ये दुनिया पागने दी बस्ती नहीं लगती, सच दसी ये दुनिया पागने दी बस्ती नहीं लगती, इत्था ओ भी भास है के जैकू सर्दी नहीं लगती। सच दसी ये दुनिया पागने दी बस्ती नहीं लगती, इत्था ओ भी भास है के जैकू सर्दी नहीं लगती। सजदे अगो दीवा वालो पत्ता भी नहीं लगता, जदा में उन्हें पेर चुमे में खंड मिठी नहीं लगती। जदा दे उन्दे पेर चुमे में खंड मिठी नहीं लगती। अरसा थी गए घर च बैठे यार मिलन नहीं आया, अरसा थी गए घर च बैठे यार मिलन नहीं आया, इवें लगदे सारे घर को कोई गली नहीं लगती। घर बैठे यार मिलन नहीं आया, इमें लगदे सारे घर को कोई गली नहीं लगती। सादे हाथ च खेजा दरिया साकू बुरत नहीं रहता, कुंडी सट सट वाला ने है एक मच्छी नहीं लगती। सारे हाथ खेलिया दरिया साकू बुरत नहीं रहता, कुंडी सट सट वाला ने है एक मच्छी नहीं लगती। और आखिरी गजल है, टाइम ज्यादा है, मैं आखिर आराम से आराम से, ये तो पता भी नहीं चल रहा कि किस चीज की फरमाइश कर रहे हैं आप। एक आराम से रखी गजल है, उन्हें बाद इजाजत दी था सारी रात लांग गए जी। हाँ भी आप पढ़े सराय की गजल। हाँ ठीक है, समझ लगे। जो तेरे साथ रहते हुए सो गवाह है, जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार। जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो, एक आस्तीन चढ़ाने की आदत को छोड़कर आखिर तुम आदमी तो बहुत शानदार। क्या कहने आखिर में गजल है, वो तो आपकी बहुत ज्यादा है, आखिर में टाइम थोड़ा है। हाँ मैं सुनाता हूँ, प्लीज आप मैं सुनाता हूँ। खाक ही खाक थी और खाक भी क्या कुछ नहीं था, वाह वाह। खाक ही खाक थी और खाक भी क्या कुछ नहीं था, जब मैं आया तो मेरे घर की जगह कुछ नहीं था। बहुत अच्छा। क्या करूं तुझसे खयानत नहीं कर सकता मैं, वरना उस आंख में मेरे लिए क्या कुछ नहीं था। बहुत अच्छा। अब वो मेरे ही किसी दोस्त की मलकुआ है, मैं पलट जाता मगर पीछे बचा कुछ नहीं। उसके हाथों में जो खंजर है ज्यादा तेज है, और फिर बचपन से ही उसका निशाना तेज है। जब उसके हाथों में जो खंजर है ज्यादा तेज है, क्या कहने, और फिर बचपन से ही उसका निशाना तेज है। जब कभी उस पार जाने का ख्याल आता मुझे, कोई आहिस्ता से कहता था के दरिया तेज। कभी उस पार जाने का ख्याल आता मुझे, कोई आहिस्ता से कहता था के दरिया तेज है।
आज मिलना था बिछड़ जाने की नियत से हमें, आज भी वो देर से पहुंचा है कितना देर से। आज मिलना था बिछड़ जाने की नियत से हमें, आज भी वो देर से पहुंचा है कितना देर। बहुत अच्छे। अपना सब कुछ हार के लौट आए हो ना मेरे पास, मैं तुम्हें कहता भी रहता था कि दुनिया देर से। अपना सब कुछ हार के लौट आए हो ना मेरे पास, मैं तुम्हें कहता भी रहता था कि दुनिया तेज है। आज उसके गाल चूमे हैं तो अंदाजा हुआ, आज उसके गाल चूमे हैं तो अंदाजा हुआ, चाय अच्छी है मगर थोड़ा सा मीठा तेज। दसवीं ससली तेरे बाजू कौन पुनलदा रह गए, दसवीं ससड़ी तेरे बाजू कौन पुनलदा रह गए, साले गलते सहदा सखना आरा चलदा रह गए। कहीं को घर बैठे बैठे फोलिया टोकरिया मिल गए, कहीं को घर बैठे बैठे फोलिया टोकरिया मिल गए, कोई बाग तो सारी उम्र खाली बनता है। कहीं को घर बैठे बैठे फोलियां टोकरियां मिल गए, कोई बाग तो सारी उम्र खाली बनता रह गए। साकू सच दा हिलक करण वाले को क्या पता, उन्हें बाद तक कूड़े का एक सिलसिला चलता रहा। साकू सच दा हिलक करण वाले को क्या पता, उन्हें बाद तक कूड़े का एक सिलसिला चलता रह गए। थी सकते हो ईद करण लो शहर तू बल आए हो, मैं सारी रात तू घर दे अंदर बल्ला बलदा रह गया। ओ ता आसा शहर थी सकते हो ईद करण लो शहर तू बल आए हो, मैं सारी रात तू घर दे अंदर बल्ला बलदा रह गए। ओ ता आसा शहर दिया रोशना देखण तुर पाए हासे, वाह वाह। ओ ता आसा शहर दिया रोशनियां देखण तुर पाए हासे, उवे सारी बस्ती पिछो चंद्र निकलता रह गया। ओ ता आसा शहर दिया रोशनियां देखण तुर पाए हासे, उवे सारी बस्ती पिछो चंद्र निकलता रह गया। जिवें कोई कहिंदे हथों मरदा मरदा बचदे, वाह वाह। कल एक दीवा मेरे हथों बलदा बलदा रह बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत से आपने सुना और इसी इनामात से सुनिएगा। बस ये कि यहाँ वीडियो भी बन रही है, दो चैनल वाले आए हुए हैं, तो आप एक शेर के रिस्पांस के बाद थोड़ी देर के लिए शोर कम किया कीजिए, ताकि वीडियो में भी खलल ना आए और शायर जो अगला मिसरा पढ़ रहा है वो भी आसानी से पढ़ सके। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आपके और अली भाई के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होऊंगा।